मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड यस, अभी हो चुकी है सुबह और मैं नहीं हूँ ना। एंड अभी मैंने पूजा भी कर दी है तो आप लोग आरती ले सकते हैं। एंड अभी चल रहे हैं नाश्ता करने, फिर उसके बाद निकलेंगे डायरेक्ट ऑफिस। तो मिलते हैं ऑफिस में। टुडे वेदर इज ऑसम। आज हुई है बहुत तेज वाली सर्दी एंड ये मौसम मुझे है बहुत ज़्यादा पसंद। आप देख सकते हैं तो दिल्ली में अभी बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। आई लव इट दिस मौसम। टुडे व्यू इज ऑसम। कितना मस्त व्यू है ना। हल्का हल्का फॉग, बादलों के बीच में ये सूरज। लुक एट दिस, देख इसमें एक ईगल भी आ गई। मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, ना जाने किस मुल्क में जाए। Look at this. Hello everyone. अभी हो चुकी है शाम और हम ऑफिस से आ गए हैं रूम पे। एंड यस, आज बहुत ज़्यादा ठंड है तो इसलिए हम लेकर आए हैं गर्मा गर्म समोसे। तो चाय के साथ अभी हम खाएंगे गर्मा गर्म समोसे, उसके बाद बनेंगे गोभी के परौठे। गोभी के परौठे तो भाई जिस जिसको खाने हैं वो आ सकता है, मोस्ट वेलकम, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी हम चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है कि मैंने आते ही सबसे पहले कर्टन लगाए, बिकॉज़ ये बालकनी वाला गेट है, मतलब विंडो है हमारा, इधर गेट इज विंडो। इससे इतनी ज़्यादा ठंड ठंडी हवा आ रही है, आ जाते ही जो दो तरीके का पर्दा है बट लगा के फाइनली बंद कर दिया। एवरीवन, सो जैसा कि मैंने बोला था कि आज मेरे रूम में बन रहे हैं गोभी के परौठे विद दही एंड चटनी। चटनी एंड दही तो चलो कॉमन सी चीज़ है, बट परौठे कैसे हम बनाते हैं वो मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ। तो चलते हैं किचन में। ओ, तो नेहा ने अभी स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस बिना मुझे बताए। ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा गलत ना इंसाफी है ना। तो चलो ठीक है, हम दिखाते हैं। बाकी परौठे बना रही है नेहा। हाँ जी बिल्कुल, मैं नहीं बना रही परौठे, परौठे बना रही नेहा एंड मैं करूँगी शूट। चलो तो मिलते हैं परौठे के साथ। बन गया है, क्या बन गया है? ये बन गया है आटे का डो। ओके, अब हम इसमें वो स्टफिंग्स को भरेंगे। और स्टफिंग है वो जो अंडे बना के रखे हुए हैं। तो ये हमारे कुछ अंडे हैं, अंडे, इसको अंडा ना समझे बिल्कुल भी। ये है स्टफिंग, जो ये है गोभी के स्टफिंग। गोभी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। पहले कैसे भूना है गोभी को? हाँ, पहले गोभी को। ओ यार, तुमने लड्डू उठा के ऐसे रख दिया? हाँ। वाओ, कद्दूकस किया है पहले। ओके, उसके बाद पैन में थोड़ा ऑयल। ओके, थोड़ा सा खड़ा जीरा। ओके, हल्का सा वो क्या कहते हैं उसको, अजवाइन। देन मैंने गोभी को डाला, बिकॉज गोभी में काफी ज्यादा पानी होता है ना, तो उसमें नमक और वो डालेंगे। बट ये थोड़ा न्यू तरीका है, मतलब लड्डू उठाया, मतलब स्टफिंग उठाया और उसमें भर दिया। yeah. तो ये है कुछ हमारे पेड़े, इसको आप लड्डू बोल सकते हो, पेड़ा बोल सकते हो, आटे का कुछ लोई बोलते हैं कुछ लोग, तो डिफरेंट डिफरेंट। एंड मैं फिर से दिखा देती हूँ, इसको किया कुछ राउंड राउंड। एंड इसमें वो लड्डू जो रखा है, आई मीन ये जो हमारी स्टफिंग है जो राउंड शेप में है, वो उठा के इसमें कर दी जाएगी एड। ओ, स्टाइल काफ़ी बढ़िया है। वाओ, तो ये इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये देखने वाली चीज़ है। ये एक्चुअली इजी मेथड है, क्योंकि हमेशा स्टफिंग बाहर निकल जाता है, तो बेटर ऑप्शन है कि हम इस तरह से करें। और गोभी में जो स्टफिंग होता है ना, उसमें काफ़ी पानी होता है, तो उसको बाइंड करने के लिए मैंने ऐड किया है थोड़ा सा बेसन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आटे वाला बर्तन है कितना बड़ा है। बहुत फनी है भाई। मेल जा रही है, ये जल चुकी है गैस, रख गया तवा। एंड अब होगा, आटा लिया जाएगा, मीन्स उसके पेड़े को उठाया जाएगा एंड बेलेंगे। तो ये कुछ आ चुका है हमारा परौठा, बहुत प्यार से इस पर पाउडर लगाया गया है, मेकअप करके इसको बेला जाएगा। मेरी मजाक करने की आदत है तो आप इस चीज़ को गलत फ्लो में ना लेकर जाएं।
पराठा कुछ हमारा बिलने लगा है, ये देखिए दिल थाम के बैठ जाइए और देखिए किस तरीके से पराठा फटा भी नहीं। हाँ फटा नहीं है, अच्छा है। तो फाइनली हमारा परोठा हो गया डन। अब ये जाएगा तवे पे। हाँ जी, पहले तवे पे जाएगा, उसके बाद जाएगा हमारे पेट में। तरफ से हो गया है आई थिंक, तो हम इसको करेंगे चेंज। मेरे हिसाब से तो ये हो गया है, पर नेहा बोल रही है कि नहीं हुआ है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम इसको तेल लगा के करवा देंगे रेडी, खाने योग्य बना देंगे। ये कुछ ले लिया हमने इसमें रिफाइंड, अब इनका फेशियल होगा। हल्का हल्का पानी शिमक के, सॉरी ये पानी बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो काफ़ी डाइट को फॉलो कर रहे हैं ना, समोसा खा ले रहे हैं, फिर इस पर थोड़ा कम तेल लगा रहे हैं। तो डाइट को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हमारा परोठा बन रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट मैं एक डाइटिशियन के साथ रह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी भूलना नहीं है भाई। तो ठीक है, परोठा हमारा एक तरफ से ऑयल लग चुका है एंड अभी दूसरी तरफ से लग रहा है। बड़े प्यार से उसको नेहा फेशियल जो उसका मसाज एकदम किया जा रहा है, ताकि हम उसको अच्छे से खा पाएँ। तो मैं इसलिए थोड़ा फ़न कर रही हूँ कि अगर मेरे ब्लॉग में कुछ है नहीं, थोड़ी मस्ती होगी तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, आप लोग का भी मूड फ्रेश होगा एंड हम लोग अपना ही ब्लॉग चला के मूड फ्रेश कर लेते हैं। दो ही चार ब्लॉग बनाए, उसी को देखा मूड फ्रेश हो गया। ये देखिए, वाह यार वाह, पराठा फूलने लगा और नेहा उसको दबाते हुए, मतलब वो फूलना चाह रहा है बट नेहा नहीं चाह रही है कि वो फूले। वगैरह नहीं, मुझे फूलना है वो। अभी देखो फिर तो ऐसे दबा दिया, वाह यार अच्छा, मतलब पराठा फूल रहा है, इसका मतलब ये अच्छा है। वाह ऑसम। अरे ये आप देख सकते हो हवा निकल गई पराठे के, पर कोई नहीं, हमारा पराठा हमारा बहुत अच्छा है। देखो कम ऑयल में भी पराठा बन सकता है। सीरियसली यार, कम ऑयल में पराठा अच्छा बना है, बहुत सुंदर। अब ये सुंदर तो लग रहा है बट मेरे मुंह में जब पानी आ रहा है ना, लगा जल्दी से खा लूँ। तो बहुत ही बढ़िया पराठा बना दिया है हमारी नेहा ने। वाओ, तो किस किस को खाना है आप लोग आ सकते हैं पराठा खाने के लिए। पराठे के साथ चाय भी दे दूँगी मैं, क्योंकि चाय मुझे बहुत पसंद है। तो चाय के साथ तो आप देख सकते हैं हमारा परोठा आ गया प्लेट में, कुछ इस तरीके से हमारा परोठा दिख रहा है। चलो तो जी, जिसको खाना है वो आ जाए। हाँ जी, तो अभी आपने देखा कि कुछ मैंने आपको दिखाए थे गोभी के परोठे, जो किस तरीके से उसने बनाए थे स्टफिंग। उसने बनाने के बाद उसने जो गोभी थी वो कद्दूकस करके उसमें सारे इंग्रेडिएंट जो थे वो लगने वो उसमें ऐड कर लिए, देन उसको फ्राई कर लिया था हल्का सा, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया बट उसको भून लिया था अच्छे से। एंड उसके बाद जो भी प्रोसेस था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो हाँ जी, आपने कैसा लगा आपको ये गोभी का परोठा? एंड ब्लॉग मेरा बहुत छोटा सा आया है, तो कैसा लगा आपको, थोड़ा आप लोगों ने इन्जॉय किया नहीं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप लोग कैसे हो, क्या किया आप लोगों ने पूरे दिन? हमने तो आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंड थी, मतलब कि आज फर्स्ट डे था जिसमें हमें ठंड वाली फीलिंग आई थी। मतलब कि जो हमारा हाईवे था ऑफिस के जस्ट बराबर में, एकदम से फॉग से पूरा हाइड हो रखा था और इतना मज़ा आया। तो हमने उस मज़े में क्या किया, शाम के चाय के साथ हम लेकर आए गरम गरम समोसे, क्योंकि हम इतने आलसी, पकौड़े तो हम बना नहीं सकते, तो हमने सोचा कि क्यों ना समोसे लेके जाए जाए इस ठंड में, समोसे के साथ चाय, मतलब माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन। चलो तो फिर ठीक, कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना एंड आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।